कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट के इस यूट्यूब चैनल पे हम आपका स्वागत करते हैं। और आज इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि हम इसे पूरा जीरो लेवल से आपको सॉल्व करवाएंगे। और यह क्वेश्चन घातांक के नियम पर आधारित है और इसके आप लोगों को घातांक से रिलेटेड सारे बेसिक फंडामेंटल लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे सामने हमने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन मार्क देखिए क्या है, क्वेश्चन मार्क है और इसके ऊपर यहाँ हम इसको एक्स भी ले सकते हैं, ठीक है, मगर हमने यहाँ क्या किया है, इसको क्वेश्चन मार्क लिया है। क्या की पावर है, 1.8 की पावर है डिवाइडेड बाय 72 इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क के ऊपर 1.2 की पावर। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पूरा बेसिक से सिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क 1.8 टू क्वेश्चन मार्क 1.2, ठीक है, इक्वल टू 24 इंटू 72। ठीक है, आप जानते हो घातांक नियम क्या होता है, अगर देखिए क्या होता है, a के ऊपर m की पावर हो इंटू ए के ऊपर एन की पावर हो तो क्या होता है, ए एम प्लस एन होती है, मतलब आधार सेम हो तो इसकी घातें क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे बेस देखिए, आधार देखिए, समान दिख रहा है तो इसमें घाते को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, घात को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देते। तो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क 1.8 प्लस 1.2 इक्वल टू 24 में 72 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1728 ये आएगा। ठीक है, अब क्या है, ये घाते को प्लस कर देते हैं, देखिए घाते इनको ऐड कर देते हैं तो ये क्या होगा, क्वेश्चन मार्क के ऊपर 3 की पावर होगी। ठीक है, अब इनके फैक्टर निकाल लेंगे, मतलब एलसीएम, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, आप खुद से निकाल के देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क के ऊपर 3 की पावर, अब देखिए 2 पे 3 की पावर इंटू 1 2 3 2 पे 3 की पावर इंटू 3 पे 3 की पावर। ठीक है, अब देखिए इनका क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये होगा क्वेश्चन मार्क पे 3 की पावर इक्वल टू, ये क्या, 2 2 4 4 3 12, तो 12 पे काई की पावर होगी, 3 की पावर होगी। अब देखिए यहाँ पे भी दिख रहा है 3 की पावर, यहाँ भी 3 की पावर, दोनों तरफ काई की पावर है, 3 की ही पावर है, मतलब दोनों तरफ एक ही पावर लगी है, क्योंकि दोनों पक्षों में घातांक क्या है, समान है, इसकी दोनों पक्षों की घात क्या है, समान है, इसलिए क्या करेंगे, आधार की तुलना करने पर, तो इनके आधार की क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्या होगा, 12 होगा। तो क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्या होगा, 12 होगा, यही आपका क्या है, आंसर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।